सामने कई सारी लड़कियां आप देख रहे होंगे और इसे देखकर आप समझ जाएंगे। अश्लीलता पे जो सवाल उठता है और बताया जाता है कि अंदर में गंदे काम होते हैं, तो ऐसा यहाँ पर लहंगा चोली मेकअप लगाने का, सारा दिन बैठ के भूखे पेट रहने का क्या जरूरत है बताइए, कोई मतलब है? पता है इस तरह का गाना भोजपुरी में कैसे कैसे चलना है? जब गाने वाले की गलती नहीं है तो हम लोग तो नाच के खाते, तो हमारी गलती कैसी है? अच्छा खाना तो मिल नहीं पा रहा है, दो वक्त की रोटी तो सीधा बन नहीं रही है। आप अपने सामने देख लीजिए, क्या ऐसे खाना आप लोग अपने घर में खाते होंगे? पुलिस वाले को पैसा दो, कभी तो जमीन का पैसा दो, सब चीज का तो यहाँ पे भाड़ा लगता है ना। अभी हम जिस जगह है तस्वीर आप गौर से देखिए, यहाँ पर खाना बन रहा है, गैस चूल्हा है, खाना बन रहा है यहाँ पर और आलू गोभी की सब्जी बन रही है। सामने कई सारी लड़कियाँ आप देख रहे होंगे और इसे देखकर आप समझ जाएंगे हम कोई थिएटर में नहीं है, हम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसे चित्रहार बोला जाता है, जहाँ पर 5 गानों पर परफॉर्मेंस करती है लड़कियाँ, डांस करती है, दर्शक आते हैं देखते हैं फिर चले जाते हैं। लगभग 25 मिनट का शो होता है, एक गाने 5-5 मिनट के होते हैं। अगर आप देख लें तो इधर CCTV कैमरा अगर की निगरानी में यह सारा काम हो रहा है, CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड का सिस्टम सारा है और यहाँ पे आप देख ले स्टेज एक बना हुआ है, आगे में आपको कई सारी कुर्सियाँ मिलेंगी। लेकिन यह स्टेज खाली क्यों है, यहाँ पे प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे शांति क्यों बना हुआ है? क्योंकि जिस दिन मेला शुरू हुआ उसके 1-2 दिन यह कार्यक्रम चला या इनका प्रोग्राम चला, उसके बाद अचानक आदेश आता है और इनका प्रोग्राम भी बंद हो जाता है। थिएटर अभी थोड़ी देर पहले थिएटर की परमिशन मिल चुका है, लेकिन थिएटर का नाम बदल दिया गया है, दिल्ली जागरण मंच नाम रख दिया गया है। पहले नाम था शोभा सम्राट थिएटर, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है दिल्ली जागरण रंग मंच। अब उस पर कार्यक्रम किस तरह के होते हैं वह तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इनसे हम बात करेंगे और इनकी परेशानियों को सुनने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर रानी सिंह है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। ये जो शो होता है हमारा 5 गाने का शो है, जिसमें 25 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग 6 तारीख से यहाँ खड़े हैं, 6 तारीख से हम लोग रुके हैं, 6 तारीख से जो प्रोग्राम चालू हो रहा था, लेकिन अभी जब DM साहब कभी परमिशन देता है कभी नहीं देता है, कभी बोला है CC कैमरा लगाइए, CC कैमरा भी लग चुके हैं, फिर भी नहीं चालू होने दे रहा है। फिर भी हमारा कहने का मतलब, हमारे सब लड़कियों का कहने का मतलब यही है जे कल से हमारा शो चालू करा दीजिए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि आस्था की जगह अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी, या आस्था की जगह है बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम है, यहाँ पे अश्लीलता नहीं चलेगी। पैसा क्यों लिए, परमिशन क्यों दिए? पहले परमिशन नहीं लिया गया, इसमें परमिशन लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग नहीं, मैं वो सवाल नहीं करना चाह रहा, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे अश्लीलता फैल परोसी जाती है? नहीं नहीं, कोई अश्लीलता नहीं होता है, ऐसा बात होती है तो हम लोग तो बाहर जाते हैं। क्यों लगा गया CC कैमरा? अगर ऐसी बात होती तो CC कैमरा क्यों लगाते हैं हमारे मालिक? मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 हफ्ते से बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पे कमाने खाने, अगर यही काम करना होता तो हम अपने गांव घर में भी तो करके खा सकते थे ना। यहाँ पे लहंगा चोली मेकअप लगाने का, सारा दिन बैठ के भूखे पेट रहने का क्या जरूरत है बताइए, कोई मतलब है? आप कहाँ से आई? जी मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं? कब से हैं आप? मैं यहाँ पे 6 तारीख से हूँ। 6 से हैं? हाँ। कितना दिन प्रोग्राम चलाते हैं? बस 3 दिन प्रोग्राम हुआ, जिस दिन आए 8 तारीख को हुआ कि परमिशन हो जाएगा, 8 तारीख को भी शो नहीं हुआ, 9 तारीख को शो चालू हुआ जैसे तैसे करके चला, फिर 10 को भी प्रोग्राम हुआ और 11 तारीख को जैसे शो चालू हुआ जैसे 3:30 बज रहा था प्रोग्राम चलते, पब्लिक भरी थी, मतलब वो भी प्रोग्राम चलने में बंद हो गया। यानी चलते टाइम ही? हाँ, चलते टाइम पे ही बंद हो गया। पुलिस वालों ने आके बोला कि परमिशन नहीं है, बंद मतलब बंद हो गया, कि मतलब प्रशासन मतलब इजाजत नहीं है, बंद कर दो, तो आधे टाइम में बंद हो गया। क्या कार्यक्रम, किस तरह के गाने चलते हैं, किस तरह से डांस होता है? सर आजकल जो मतलब फोन में वीडियो है सबके सब, आज तो आपको पता है इंटरनेट जमाना है, सबके फोन में वीडियो रहते हैं, सब कुछ रहता है। अगर आप देख सकते हैं, अगर उससे भी नहीं है कि ना हमारे भी फोन में वीडियो देख, आपको पता है इस तरह का गाना भोजपुरी में कैसे कैसे चलना है। जब गाने वाले की गलती नहीं है तो हम लोग तो नाच के खाते, तो हमारी गलती कैसी है आप बताइए? यानी भोजपुरी गाने पे ही डांस होता है? भोजपुरी भी चलते हैं, हिंदी भी चलते हैं, जिसका जो डिमांड होता है सारे गाने चलते हैं। लेकिन अश्लीलता नहीं परोसी? भक्ति भी गाना चलता है, ऐसा नहीं है, देशभक्ति भी गाना चलता है, जिसका जो मर्जी रहता है, जो बोलता कि ये गाना गवा दीजिए वही गाना चलता है। अश्लीलता पे जो सवाल उठता है और बताया जाता है कि अंदर में गंदे काम होते हैं, तो ऐसा कुछ भी होता तो क्यों CC कैमरा लगाया गया है? अगर ऐसी बात होती तो CC कैमरा क्यों लगता आप बताइए? इतनी लड़कियां, सबसे पूछ लीजिए,
इतना प्रशासन भी तो वहाँ 24 घंटा रहती है, उनको भी छानबीन करना चाहिए, देखना चाहिए, जो भी जो जो, जो ग्रुप मांग रहे हैं सारा सारा ग्रुप दिया जाता है। आते हैं तो अंदर आते हैं, घूम के जाते हैं, देख के जाते हैं यहाँ पे। अगर असल सा का बात होता देखिए सभी लड़कियाँ फुल कपड़े में आपको मिलेंगी, और रहा गाने का बात हिंदी और हरियाणवी और भोजपुरी, और यहाँ पे आएंगे देखिए प्रशासन वाले भी आते हैं यहाँ पे आके बैठ के देखते हैं। अगर अस्थिरता का कोई भी मैटर आता तो वो लोग क्या आके खुद नहीं बोलते, पुलिस वाले सारे आते हैं, पुलिस वाले आके देख के जाते हैं, दो दो मिनट बाद तीन तीन पुलिस वाले आते हैं, देख के जाते हैं, मिनट पे पुलिस वाले आके यहाँ पे देख रहे हैं, चेक करें। तो अस्थिरता कहाँ से यहाँ फैल गया बताइए आप। चलिए बिहार है और बिहार का मधेपुरा जिला है, सिंहेश्वर है, और सिंहेश्वर आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। मुंबई से आई हैं, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से आप? जी मैं हरियाणा से। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। जी मैं गोरखपुर से। गोरखपुर से आप? जी मैं कलकत्ता से हूँ। आप कहाँ से? पूर्णिया से। आप कहाँ से? गोरखपुर से। आप कहाँ से? कलकत्ता। यानी आप अगर देखा जाए तो देश के हर कोने से यहाँ पर लड़कियाँ आई हुई है, अपना कलाकारी दिखाती हैं, डांस करती हैं। फिर अच्छा ये बताइए आप, अभी हम बैक स्टेज हैं, यानी स्टेज सामने है, हम लोग पीछे में, तो यहाँ पे किस तरह से आपका आप लोगों का रहन सहन होता है? यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं, जहाँ लोग अपने घरों में ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं, वहाँ पे इन कलाकार किस तरह से अपना समय बिताते हैं, किस तरह से जिंदगी जीते हैं, या तस्वीर आप देख रहे होंगे कैसे रहती हैं आप? सर देखिए यही हम लोगों का व्यवस्था है, हम लोगों का अगर कलाकारी अगर और कुछ करना होता लोग मतलब प्रशासन चाहे और को लोग मतलब हम लोगों पे गलत उंगली दिखाते हैं, अगर वो सब जिंदगी जीती होती तो ऐसे ज़िंदगी क्या ज़रूरत है जीने की, जहाँ कुत्ती बेले सोते हैं वहाँ पे वैसे ज़िंदगी हम लोग जीते हैं। आप बताइए सर, आप अपने आँख से खुद देख लीजिए। यह तस्वीर आपको देखकर अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस हालात में यह लोग रहते हैं, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। और हालांकि सिंहेश्वर में पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया है सिंहेश्वर मेले में कि इस तरह परमिशन को लेकर अचानक परमिशन मिलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर रुकवा दिया जाता है कार्यक्रम, फिर परमिशन की बात की जाती है। और अगर थिएटर की बात करें तो थिएटर पहले परमिशन बताया जा रहा था कि थिएटर नहीं चलेगा, फिर अचानक नाम बदला जाता है, फिर थिएटर आज से चलने लगा है। तो यह तस्वीर देख लें, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रिंकी। आप कहाँ से हैं? बंगाली। बंगाल से हैं। आप कब आई थी इस लाइन में? दो बरस। दो बरस। आप भी डांस वांस करती हैं? हाँ करती हूँ। आप ये अभी काम नहीं चल रहा है आप लोगों का, क्या क्या परेशानी होती है? परेशान तो हो रहा है, मालिक का पैसा ज़्यादा खर्च रहा हो रहा है, कैमरा लगाना बोल रहा है तो लगाए आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा। आप लोग को पेमेंट वगैरह मिल रहा है? हाँ मिल, नहीं अभी मालिक मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, नहीं। आप लोग को बंद हो रहा था, नहीं, नहीं। पेमेंट कहाँ से मिलेगा, जब काम ही नहीं चल रहा तो पैसे प्रोग्राम रखा, अच्छा खाना तो मिल नहीं पा रहा है, दो वक्त की रोटी तो सीधा बन नहीं रही है। आप अपने सामने देख लीजिए, क्या ऐसे खाना आप लोग अपने घर में खाते होंगे? आप देख लीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए, क्या बोल रही थी? इधर दिखाइए ना, दिखा रही क्या बता रही थी खाने को लेकर? खाने को लेकर यही बोल रहे थे, जब प्रोग्राम चालू नहीं हो रहा है, जब काम धाम नहीं चल रहा है, तो मालिक कहाँ से लाएगा पैसा, और कहाँ से कलाकार को देगा, कहाँ से खिलाएगा मालिक बताइए, सुबह तीनों टाइम कहाँ से खिलाएंगे मालिक लोग? पुलिस वाले को पैसा दो, कभी तो जमीन का पैसा दो, सब चीज़ का तो यहाँ पे भाड़ा लगता है ना, आखिर मालिक कहाँ से लाएगा इतना, उसका भी तो बेचारा का घर बार है, उसके भी तो बेबी बच्चे है, वो कमाएगा नहीं तो हम लोगों को कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से देगा, आप बताइए। अच्छा पहले दो दिन जो कार्यक्रम चला तो कमाई हुई कुछ? नहीं, वो उतना नहीं हुआ, जो भी हुआ वो कैमरे सैमरे लाने में सब खत्म हो गया, 10-12 हज़ार जो भी कमाए थे मालिक ने, कैमरा वैमरा उधार लगा के, उधारी करके कैसे भी करके बातचीत करके कैमरा लगा दिया। आप कब से इस लाइन में? मुझे इस लाइन में सर 12 साल हो गया। 12 साल? हाँ। क्या जिला प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम यही अनुरोध करेंगे कि सर हम लोग अपने बाल बच्चे छोड़ के, घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के इतने दूर आए हैं, तो कृपया हम हाथ जोड़ के निवेदन यही करेंगे कि काम चलने दें, काम करने दें, ताकि हम दो दो रुपया कमाएं, अपने बच्चों को अपने घर में सुखी से जा सकें। यहाँ से भाड़ा तक का भी पैसा नहीं, अगर हम लोग अभी यहाँ से जाना भी चाहें तो वो भी पैसा नहीं हम लोग के पास, हम लोग कैसे जाएंगे उतना दूर अपने घर पर। आप क्या क्या कहना? मैं ये बोल रही थी बताइए, 8-8, 7-7 लड़कियों का एक मालिक रख रहा है, तो उसके ऊपर भी तो जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से हम लोगों को खिलाएगा। और रही जैसे कि बोलते हैं कि ये सब हो रहा है, तो देखिए मैं साड़ी में खड़ी हूँ और इसी रूप में मैं जाके वहाँ डांस करती हूँ, साड़ी में ही मैं डांस करती हूँ।
इसीलिए मैं साड़ी पहन के ही तैयार हुई थी और जाने के लिए मंच पे जा रही थी, तो बोला कि प्रशासन ने मना कर दिया है। अब बार बार दिन हम लोग बैठे रहे मेकअप करके, सुबह 12 बजे से मेकअप किए थे और पूरा दिन बैठे थे मेकअप करके। अभी जस्ट आप लोगों के आने से पहले हम लोगों ने मेकअप उतारा। आप पर 2 घंटे में परमिशन मिलता है, 1 घंटे में मिल जाएगा, आधा घंटे में मिल जाएगा, बस यही सब हो रहा है। 3 दिन से यही नौटंकी है, मेकअप करो उतारो, मेकअप करो उतारो। एक टाइम खाना बनता है, एक टाइम नहीं बनता, चाय तक भी पीने का बदा नहीं होता। आप बताइए सर, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे? काम करेंगे तभी तो खाएंगे ना। काम करेंगे तभी ज़िंदगी चलेगी। कुछ पैसे कमाने आए हैं और यहाँ से अगर कमा कर नहीं जाएंगे तो किराया भी नहीं है, कैसे अपने घर जाएंगे? यह मुश्किल, यह हालात इन लोगों के पास बन पड़ा है। अब एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर खड़े कर रहा है कि जब थिएटर का नाम बदल करके उन्हें परमिशन दे दिया जाता है चालू करने का, तो यह इनके चित्रहार जो कार्यक्रम है इन्हें अब तक क्यों परमिशन नहीं दी जा रही?